गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये व्लॉग चैनल है, हम अपनी डेली लाइफ, ट्रैवलिंग वीडियोज, हंसी मजाक, जो भी हमारी लाइफ में होता है वो चीज़ें शेयर करते हैं इसमें। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके बारे में बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर अपने क्षेत्र और प्रदेश की बात हो तो फिर तो ज़रूर बोलना चाहिए। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ अंकिता भंडारी, जो कि पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं, और उनके साथ ऋषिकेश में जो घटना हुई है उस बारे में। और जिस घटना के बाद सभी लोग शॉक्ड हैं, प्लस हम लोग शर्मशार हैं। शर्मशार इसलिए क्योंकि हम लोग देवभूमि के रहने वाले हैं और देवभूमि में ये चीजें हो रही हैं। सच में बहुत ही ज्यादा शेमफुल चीजें हैं ये। आज तक हम लोग प्राउड फील करते थे कि हम लोगों ने देवभूमि में जन्म लिया और देवभूमि में हमको रहने का सौभाग्य मिला है। बट कुछ लोगों ने ना इस बात को भी सच में शर्मशार किया है, देवभूमि को शर्मशार किया है। तो मैं अंकिता के बारे में आप लोगों को बताना कुछ भी नहीं चाहती, क्योंकि सभी इस बात से वाकिफ हैं, इतने दिन हो गए इस बात को। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जैसे भी हो, जहाँ पर भी आप लोग हैं, जो भी आपसे कंट्रीब्यूशन बन सके उससे आप लोग अंकिता को न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए। हम लोगों से सिर्फ इतना हो सकता था कि हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, इसके माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हम लोग डेली लाइफ के बारे में रोज वीडियो बनाते हैं। तो अभी हम सबकी जरूरत जब अंकिता की फैमिली को है, उसके रिलेटिव्स को है, तो हम लोगों को अपने कदम पीछे नहीं करना चाहिए। जो भी हमसे बन पड़े हमें करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रही हूँ कि आपके सोशल हैंडल होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, तो उसमें आप लोग पोस्ट करते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है अभी हमारे पास, जिससे हम लोग कल्प्रिट या फिर दूसरे जो भी कल्प्रिट पक्ष है उस पर हम लोग दबाव बना सकते हैं, और साथ साथ प्रशासन पे भी। और वैसे तो प्रशासन अभी फुली एक्शन में है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी कल्प्रिट के पिताजी थे वो मंत्री परिषद से बिलोंग करते हैं, बट अभी सुनने में आया है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। साथ ही साथ जो भी उनका रिजॉर्ट था वनंतरा, तो उसपे भी धामी जी का बुलडोजर चल गया, जो कि थोड़ी सी राहत वाली बात है हमारे लिए। बाकी इससे कुछ भी नहीं होने वाला जब तक कि अंकिता और उसकी फैमिली को न्याय नहीं मिल जाता और उस कल्प्रिट को फांसी की सजा नहीं मिल जाती, तब तक हमें उत्तराखंडी होने के नाते इस विषय में आवाज उठाते रहनी चाहिए और लगातार पोस्ट करती रहनी चाहिए अपने सोशल हैंडल पे। तो मेरी जो भी बात थी वो आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ, और जो रिक्वेस्ट थी वो भी मैंने आप लोगों से कर दिया। मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट करते रहिए। हमारे जो भी सोशल हैंडल है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हम भी लगातार पोस्ट करेंगे, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है, जो कल्प्रिट पार्टी है, वो बहुत बड़ी है और ये मामला कब गायब हो गया हमें पता भी नहीं चलेगा। और अंकिता जो है वो छोटे घर की लड़की है, तो हमें न्याय दिलाना है अंकिता को, आप लोगों को न्याय दिलाना है। प्लीज पोस्ट करते रहिए, जब तक कि अंकिता को न्याय ना मिले, उसकी फैमिली को न्याय ना मिले। न्याय तो क्या ही दिला सकते हैं, उनकी बेटी तो वापस दिला नहीं सकते, बट एटलीस्ट अंकिता की आत्मा को शांति मिले, उसके घर वालों को ये लगे कि हाँ भाई, गुनहगार को उसकी सजा मिली है, इतनी शांति उनके मन को मिले। तो इतना हम लोगों को करना है मिलकर, बस इतनी ही उम्मीद और इतनी रिक्वेस्ट करते हैं हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट से और हमारी जुडिशियल सिस्टम से कि प्लीज़ आप लोग अंकिता को न्याय दिलाइए और कल्प्रिट को सजा दिलाइए। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग प्लीज़ एक्टिव रहिए तब तक, जब तक कि अंकिता को न्याय नहीं मिलता। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय उत्तराखंड।